जी जनाब, एक सवाल जो मैं चाहूंगा कि कोर्स को पढ़ना शुरू करने से पहले आप जरूर समझ लें। वैसे तो मेरी आपसे ये गुजारिश करूं, आपसे नहीं, मेरा आपको ये मशवरा है। मशवरा ये है कि कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी चीज आप अपनी जिंदगी में सीखें तो उससे मुतल्लिक एक सवाल जरूर पूछें। खास तौर पे अपने इस प्रोग्राम में जितने भी आप कोर्सेज पढ़ें तो अपने असातजा से ये सवाल जरूर पूछें। यही सवाल, कौन से वाला? यही जो कि मैंने लिखा है आपके सामने, मार्केटिंग एंड माय लाइफ। यानी कि ये जो मैं मार्केटिंग पढ़ रहा हूं, इसका जरा मेरी जिंदगी में जो रोल है वो तो मुझे बताएं। मैं मार्केटिंग पढ़ लूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा, ना पढ़ूंगा तो क्या रह जाएगा? यानी व्हाट रोल डज इट प्ले इन माय लाइफ? देखें अजीजा ने मन, मैं इस पे बहुत लंबी चौड़ी तकरीर कर सकता हूं लेकिन मैं करना नहीं चाहता। मैं सिर्फ आपको सेंसिटाइज करना चाहता हूं इस मामले में कि आप इस कोर्स के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ें, हर कॉन्सेप्ट को इस नजर में देखें, इस नजर से देखें कि ये आपकी जिंदगी में क्या रोल प्ले कर सकता है। बल्कि हर कोर्स में जो नया कॉन्सेप्ट सीखें उस पर यह जरूर सवाल आप लोग उठाएं। मैं आपको ये थोड़ा बता देता हूं कि देखिए, मार्केटिंग हमें अपनी जात, अपनी सफात, यानी अपनी जात और अपनी सफात, यानी हम कौन हैं और हम क्या कर सकते हैं, इसके बेहतरीन इजहार का तरीका सिखाती है। और इस तरह से कि वो लोग जिन्हें जिनसे हमें जिंदगी में कोई मामला हो सकता है, कोई काम हो सकता है, इस तरह से हम अपने आप को और अपनी खूबियों को और अपने मसाइल को इस तरह से प्रेजेंट करें कि वो लोग कन्विंस हो जाएं और वो हमारी बात को मान लें और हमारे साथ चलने को तैयार हो जाएं। असल में मार्केटिंग के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि मार्केटिंग इजहार का जरिया है, इजहार करने का ऐसा तरीका है जिससे आप जिनसे इजहार कर रहे हैं उनको अपना बना लें, यानी आप उनको कायल कर लें उस बात के लिए जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। तो मार्केटिंग का आपकी लाइफ के अंदर, चाहे आप मार्केटिंग को एज अ करियर ज्वाइन करें या ना करें, मार्केटिंग प्रोफेशन में आए ना आए, आप चाहे फाइनेंस में चले जाएं, आप चाहे कंप्यूटर साइंसेज में चले जाएं, आप चाहे बायोलॉजिकल साइंसेज को ज्वाइन कर लें, आप किसी भी डोमेन में चले जाएं, ये याद रखिए कि आपको हमेशा अपने आप को, अपने आइडियाज को, अपने प्रॉब्लम्स को मार्केट करना पड़ेगा। क्योंकि हम जिस जिंदगी में, दुनिया में रहते हैं, वो इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है, और जो इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है अजीजा ने मन, इसमें हम तन्हा कुछ नहीं कर सकते, हमें हमेशा दूसरों की मदद, दूसरों के तावुन की जरूरत रहती है। तो फिर आपको मार्केटिंग ये बताएगी कि दूसरों का तावुन कैसे हासिल करते हैं। तो मैं तो ये समझता हूं कि इस कायनात में हर चीज मार्केटिंग कर रही है। जिस तरह के आप सूरज को देखें, चांद को देखें, सितारों को देखें, फूलों को देखें, पानी को देखें, झरनों को देखें, दरियाओं को देखें, समंदरों को देखें, परिंदों को देखें, जानवरों को देखें, सब अपनी जात और अपनी सिफात का इजहार कर रहे हैं, सब अपनी तरफ आपको मायल और कायल कर रहे हैं। तो अजीजा ने मन, आप भी अशरफुल मखलूकात होने के नाते अपनी जात और अपनी सिफात का इजहार करते हैं, इसलिए कि दूसरों का ताबुन हासिल कर सकें। तो मैं ये कहूंगा कि मार्केटिंग जो है ये शायद कोर है आपकी लाइफ का। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस सब्जेक्ट से ज्यादा फायदा कैसे उठा सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग। और आखिरी बात, लेट्स बिगिन, आइए शुरू करें लर्निंग मार्केटिंग। हैव अ सेफ जर्नी। थैंक यू वेरी मच।